मुख्य अतिथि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, राज्य मंत्री आदरणीय धोत्रे जी, आईटी विभाग के सचिव आदरणीय साहनी जी, पंकज जी, सीएससी के प्रमुख आदरणीय त्यागी जी और देश भर से आए हुए बहनों, भाइयों और मित्र पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले सीएससी परिवार को बधाई देता हूं। उन्होंने 10 साल की एक सफल प्रवास पूरा किया है। आज आपकी 10वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर सभी को शुभेच्छा, सभी को बधाई। हमें कहा गया इस कार्यक्रम की वेबकास्टिंग देश भर की, आपकी जो 3 लाख करीब सीएससी है, जहाँ जहाँ नेटवर्क पहुँच रही होगी वहाँ उसकी टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। देश की विभिन्न कोने में बैठे हुए भाई बहनों को भी आज की सीएससी की जन्मदिन पर शुभेच्छा। मित्रों, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मंच पे बैठे हुए सारे लोग सीएससी की परिवार के लोग हैं, मैं सीएससी की उपभोक्ता हूँ। आप लोगों के बारे में अभी रविशंकर जी भी सीएससी के बारे में खूब ओन करते हैं। जब प्रमुख व्यक्ति उसको ओन करते हैं तब उसमें गति आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की, नए भारत की कल्पना करते हुए आप लोगों पे भरोसा किया, रविशंकर जी ने आपको और गति दिया। लेकिन मैं बाहर का व्यक्ति हूं, मैं एक ही विषय कहना चाहूंगा। माननीय रविशंकर जी को और आप सभी को मालूम नहीं क्या, आप लोगों को मालूम नहीं आपकी ताकत क्या है। मैं अभी कह रहा हूं, रविशंकर जी मेरे बाद भाषण देंगे, आपके बारे में 2 शब्द अच्छा कहेंगे और बहुत भरोसा है उनके मन में, बहुत संतुष्टि है आप लोगों के साथ काम करते हुए। लेकिन मैं उनको कहूंगा, उनको मालूम नहीं आप लोगों की ताकत क्या है। इत पास है और उसके अंदर जो आपकी ये जो वुमेन वीएलई वाला कंसेप्ट है, मैं उसको नजदीक से देखा हूं, मैं उसको नजदीक से देखा हूं। अगर घर में महिला जिस काम पे हाथ लगाती है तब जाके उस काम घर में सफल होती है। आज देश में पिछले 5 साल में सीएससी की एक एक्सपेंशन हुई, सीएससी की एक व्याप्ति हुई। ये 5 साल सीएससी की व्यवसाय बढ़ाने की टाइम आया है। 65,000 ट्रांजैक्शन, 70,000 की ट्रांजैक्शन माननीय रविशंकर जी के पास। और एक विभाग है उसकी बहुत चमक दमक है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की कुल मिला के बिजनेस साइज है 2.5-3 लाख करोड़ रुपया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की चमक दमक और सीएससी की मार्केटिंग प्लान को तुलना करिए, आज सीएससी 70,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुके हैं 10 साल में। मैं पूरा इस बात का विश्वासी हूं। इस गति पे नया भारत की ओर जब हम बढ़ेंगे, मेरा शुभेच्छा है सीएससी आने वाले 5 साल में कम से कम व्यवसाय 2 लाख करोड़ रुपया का कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। हमारी भूमिका क्या है, हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग जगह जगह पे शुरू किया है। मैं जब आपके वहां आया हूं एक ही विषय आपको कहूंगा, हमारे पास देश में लगभग 23,000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। हमने 7,40,00,000 घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहुंचाया है। बिजनेस हमारी और आपके बीच में शुरू हुई है। आने वाले दिनों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों की एक नया आयाम हम जोड़ने वाले हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स सीएससी बने, ये हम प्राथमिकता देंगे, जिसमें आपको बुकिंग और डिलीवरी दोनों में एक व्यावसायिक अनुबंध हमारी डिस्ट्रीब्यूटर और कॉमन सर्विस सेंटर की हो, उसकी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे कैसे सिनर्जी हो पाएगा, उसमें से आपके काम धंधा बढ़े। हमारी सालाना 120 करोड़ एलपीजी सिलेंडर बिक्री हो रहा है, उसमें से अगर आप 25% आपके माध्यम से हो जाए, आपकी टर्नओवर और बढ़ने वाला है। हम सभी के जिम्मेवारी है। मैं आज आपके पास आया हूं,
आने वाले दिनों में भारत सरकार की ट्रांसपोर्टेशन और कुकिंग फ्यूल बिक्री करने की जिम्मेवारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विभाग के पास है, उसको लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचाने में मैं आपके साथ समझौता करने आया हूं, पार्टनरशिप करने आया हूं। हमारी एक एमओयू माननीय मंत्री जी के सामने हुई है, इसको आने वाले दिनों में और समयबद्ध तरीके से उसको कैसे आगे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी हमारे भी है, भारत को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में। और आप लोगों की ये सिर्फ समाज सेवा तो है ही नहीं, ये व्यवसाय है, आपकी व्यवसाय में मेरे भी कुछ भूमिका रहेगा। 2,00,000 करोड़ रुपया की 5 साल की जो आपके एक्सपेंशन की अगर आप एम्बिशन रखोगे, जिसकी मैं प्रस्ताव दे रहा हूं, उसमें भी सिर्फ मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं कुछ जिम्मेवारियां आपके सामने लेने आया हूं। आपने मेरे को बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।